हमने करके दिखाया है, मुद्दे कम नहीं है। मैंने आपको बताया है बिजली है, पानी है, जवान है, किसान है, लेकिन हम पहले उसमें मुद्दों के आधार पे सिर्फ स्कूल हॉस्पिटल को इसलिए आगे रख रहे हैं। जवान किसान को अभी अरविंद जी ने शहीद जो हुए थे उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन स्कूल अस्पताल का हमारा कि आम आदमी से सीधा उसकी जरूरत है। सबसे पहले कि कोई आदमी बीमार होता है तो वो मरे नहीं बिना दवाइयों बिना डॉक्टर के। मुद्दे तो और भी बहुत है भाई साहब, मुद्दा तो बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दे तो कानून व्यवस्था सबसे बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे थोड़ी हरियाणा में राक्षस राज है भाई साहब। मुद्दे मुद्दे होंगे, कोई ये थोड़ी रामराज तो है नहीं कि कोई मुद्दा ढूंढने अरे मुद्दा हमारे को मिलेगा नहीं, राक्षसों का राज है। अब राक्षसों के राज में ये देखना पड़ता है ना कि भाई हाँ पहली चीज क्या है, काम आदमी उसका बजट तो खराब हो रहा है, वो हॉस्पिटल से हो रहा है। काम आदमी अगर बीमार हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कहां जा कर आवे, किसी के पास पैसा नहीं, कर्जा लेकर कराना पड़ेगा। तो पहले ये मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, दिल्ली में हमने बिजली सस्ती कर रखी है। आप अपना पंखा चला सोते हो इस चक्कर में एसी आते टाइम बंद करते हो कि भाई बिल ज्यादा आ जाए, दिल्ली में वही जितना एसी चलाओ है यहाँ जितना एसी मतलब आता खर्चा है। तो इसलिए मुद्दे कम नहीं है भाई साहब, लेकिन स्कूल अस्पताल हमारा मेन फोकस है। हम तो ये जींद में किसकी जीत होगी और आप जींद से क्यों भाग लिए? देखो भाई साहब, आम आदमी पार्टी पहली बात तो ये सीधा फाइनल मोड़ है, और फाइनल मोड़ पर अगर जीतेगी या पहले पाओगी दूसरे पाओ, ये रिकॉर्ड रहा, दिल्ली में भी रहा, पंजाब में भी लड़े थे, बादल साहब कितने दिन से सरकार थी, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बनी थी, लोगों ने वोट दिया। अब जींद में कौन जीतेगा भाई साहब? जींद में अभी जो माहौल है सच्चाई है तो वहां तो जातियां जीतेंगी, कौन सी जीती है सच्चाई तो है। अब उस जाति में कौन जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो जाति खेल कर रखा है, जाति ही जीतेगी उधर को, और तो कुछ मेरे को लगता नहीं, बाकी तो जींद की जनता जाने इस बारे में, तो भागने का सवाल ही। ऐसी क्या आम आदमी पार्टी की मजबूरी है जो कांग्रेस रूपी जहर को पीने को तैयार हो रहे हैं आप? देखो भाई साहब, पहली बात तो हम कोई कांग्रेस रूपी जहर पीने के लिए तो आपके ही मिनिस्टर का बयान है गोपाल राय का कि हम कांग्रेस रूपी जहर को भी घटे तैयार है और सटे महागठबंधन तैयार हो जाए। ऐसा भाई साहब, हम तो भोलेनाथ के आदमी तो उन्होंने भी जहर पिया था तो वो स्टेप भी लें, लेकिन अभी पिया नहीं जा रहा है आपकी जानकारी के लिए, अभी ऐसा हम पी नहीं रहे। क्या मजबूरी आपके सामने आ रही है जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिल रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, हम कहाँ मिल गए, कांग्रेस में ना पंजाब में चुनाव लड़ा हमने ना, सब ने आप कहते हैं हम ईमानदार हैं सबसे बड़े भाई साहब, ईमानदार मैं मतलब हरिश्चंद्र थोड़ी को हूँ मैं, लेकिन हमने क्या खा लिया कमा लिया, हमने कुछ ना खा रखा, हमें बता दो ना खा रखा, मौका नहीं मिला, लेकिन मौका मिलेगा तो खाएंगे कमाएंगे। मौके की जहां तक बात है, 50,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का, 50,000 करोड़ का एडमिशन कराने में रपति हो जाए, वो मौका तो ना मिला है, दिल्ली में सरकार है ऐसे थोड़ी है, वैसे घूम रही है, और क्या मौका नहीं लगा? 2,00,000 करोड़ रुपए में 1% भी खाने लग गए, 2-4,000 करोड़ तक खा लेते, मार दो पार्टी दो पैसे ना, मार दो पैसे ना, ये कैसे कह दो मौका नहीं मिला नवीन जी? दिल्ली में भाई साहब आप एक पार्षद हो ना, पार्षद ना छोटो ने मतलब कोई जय जाई चपरासी उपरासी हो है वो भी खा कमा ले, ऐसा नहीं है ऐसा जी। ऐसी क्या मजबूरी आती जो कांग्रेस के साथ भी मिलने को तैयार है आप? हाँ मिल गया भाई साहब, आप जिसे ने पूछ लिया और ने कह दिया होगा मैं पी लेंगे जहर। देखिए इस देश के लिए सबसे खतरा आज के दिन मोदी जी से अमित शाह जी से, वो क्यों है मैं बताऊं उसका, लोगों को डिजिटल फोटो दिखा दिखा गए पूरा देश पागल बना दिया, बेवकूफ बनाया, लोगों को 15 लाख 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां फलाना दिखना पता नहीं क्या क्या हुआ, देखिए कोई बात नहीं भाई, लेकिन जो देश के अंदर एक सबसे बड़ा जो एक हम ये मानते हैं उनका काम होया नहीं होया कोई बात नहीं भाई, चलो देखी जाए, बोल दिया झूठ, लेकिन पूरे देश के अंदर भाई साहब इनने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने के अलावा जाति के नाम पर बांटने के अलावा कोई काम नहीं कर रखा, कोई कर रखा और आप तुम्हें पता होगा पता है। तो इसीलिए लेके देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा ये चीज का होता है कि जो सोसाइटी होती है जो समाज होता है उसके अंदर अगर किसी तरह की मन की खटास आ जाती है
वो सबसे डेंजर चीज, खतरनाक चीज होती है भाई साहब। ये देश तो बिस्मिल रसपा के भगत सिंह के मानने वाला लोग सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़े थे, सब मरे थे जब ये देश आजाद हुआ था। कौन सी जगह ऐसी है देश में कितना जाट नौजाट कितना मराठा कैनाडा कितना पटेल अदर पटेल कितना हिंदू कितना मुस्लिम कितना कुछ भाई साहब, इनका काम कुछ होया नहीं। बात बात है बात ये लोग बहका ईमान है, तो ये सबसे बड़े खतरा है भाई साहब। नवीन जी स्कूल दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी तीन दिन पहले एक हिंदू का एक दूसरी कम्युनिटी के आदमी ने सरेआम कत्ल कर दिया मियां बीवी का और दोनों बच्चों का। वहां ना आपका मुख्यमंत्री जी गए हैं और ना उसके लिए कोई आपकी घोषणा हुई है। ख्याला का है, गली नंबर 3 है, ख्याला का केस है ये। और जैसे आपने अखलाक और पहलू पे करोड़ों रुपए लुटाए थे, क्या हिंदू इस काबिल भी नहीं है कि आप उनको 1,00,000 रुपया भी दे दे और मुख्यमंत्री उनको सांत्वना देने के लिए भी पहुंच जाए? बुरा मत मानिए भाई साहब जी, ये जो आप जिस तरह के सवाल करते हो ना ये ही जहर फैलाते हैं। पहली बात, ये जहर फैलाने वाले एक आप सुन लीजिए भाई साहब, नहीं आपकी पार्टी फरीदाबाद में भी आई थी जो है, नहीं सबसे ज्यादा जहर आप फैलाते हो। सुन आप जुराइद मर्डर में आए आप, और क्या ऊंचा बोलना आता है, पैसे नहीं ले रखे। जवाब तो सुन लो, आप लड़ो मत ना, सुनो पहला। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इज्जत से सवाल आया। हिंदू कहां से आया, इसमें मुस्लिम कहां से आया भाई साहब, बात कर रहे हो आप? यानी कहां से हमारा है साहब सारे, अखलाक और पहलू के मुद्दे में कैसे मुस्लिम आ गया था? कहां से आ गया था? पैसे दे दिए अखलाक को, किसने पहलू दे दिए? आपके आपके मुख्यमंत्री ने दिया 1,00,000 रुपया उसको। अगर नहीं दिया मैं तो इतने लोगों में सर लगाऊं। पत्रकारिता वाले और एक समाज सेवी आप सीएम ऐसा भाई साहब मेरी बात सुनिए, सरकार संभाल रहे हैं लेकिन आप हमारे मेहमान है सम्मान सर, मेरी बात सुनिए, लेकिन आप हमसे क्लास टीचर की तरह कर रहे हैं। एक मिनट सुन भाई साहब, ये पत्रकारिता मैंने भी कर रखा है, एमएमसी कर रहे हैं, टॉप क्लास कोर्स चल रहे हैं। एक मिनट रुको, ऐसे थोड़ी होगा ना, आपने जो सवाल करा मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा जैन जी ये बताइए कि जेएनयू मामले में आपकी पार्टी दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साइन क्यों नहीं कर रही जो है, क्या वो वीडियो गलत था जो 3 साल पहले नारे लगे थे? भाई साहब कोर्ट में मैटर है, कोर्ट मैटर नहीं है, आपकी पार्टी साइन नहीं कर रही चार्जशीट पे जो है। एक मिनट कोर्ट का मैटर है और दिल्ली सरकार क्या कर रही है क्या नहीं है इस बारे में मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं, मैं आपको बताऊं पहली बात। अब उसमें क्योंकि मेरे को जितनी जानकारी है उतनी मैं आपको बता देता हूँ। वो जानकारी ये है, अगर वो दिल्ली पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट दे रखी है वो सरकार से उन्होंने कोई वो ली नहीं, जो मेरे को जानकारी है, बाकी उसकी पूरी डिटेल मेरे को पता। जैन जी एक के लिए, एक सेकंड, दिल्ली के स्कूलों के लिए 53,000 करोड़ का टोटल बजट दिल्ली का, जिसमें से 26% उन्होंने सिर्फ स्कूल के लिए बोला कि हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो आप बताएंगे आपके 7 मंत्री दिल्ली में और 67 विधायक है, 10-12 तो अंदर भी हो गए, चलो उनको छोड़ो, कितने मंत्री और विधायक के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनका मॉडल बता रहे हैं कि बहुत अच्छा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
अब मेरी बात सुनो, हमारे करीब 20-25 तो विधायक है जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बालक नहीं, पहली बात ये सुन लो ना। एक गुलाब सिंह है अपना एमएलए, अपना इससे मटियाला से सरकारी स्कूल में पढ़ा है, मानो तो ला उसका सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और पूछा के बालक भाई साहब पढ़े कैसा नहीं सरकारी स्कूल नहीं, 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 नहीं